सर्वार्थ सिद्धि प्रश्न नंबर 253 गद्य नंबर 630 पहली लाइन यहाँ तक पूर्ण हो गया परिदेवन तक। उसके आगे हम पढ़ते ननु अर्थात यहाँ पर शंका पूछते हैं। शंका क्या है? ननु च शोकादीनाम दुख विशेषत्वात् दुख ग्रहणम एवस्तु। शोकादि दुख के भेद हैं इसलिए दुख का ग्रहण करना पर्याप्त है। शिष्य प्रश्न पूछता है कि भगवान आपने सुख दुख ताप आक्रंदन आदि दिए, ये तो सब दुख के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए दुख अकेला भी आप दे देते तो कार्य हो जाता। आचार्य कहते हैं सत्यम एव, यह कहना सही भी है। तथापि कतिपय विशेष प्रतिपादनेन दुख जाति अनुविधानम क्रियते। कहते हैं यह कहना सही है तो भी यहाँ पर कुछ भेदों का कथन करके दुख की जातियाँ दिखलाई गई हैं। दुख एक प्रकार का नहीं है, दुख अनेक प्रकार का है, और दुख की अभिव्यक्ति भी एक प्रकार की नहीं है, दुख की अभिव्यक्ति भी अनेक प्रकार की है। हर जीव अपने दुख को अनेक अनेक अलग अलग प्रकारों से दिखलाता है। यथा जैसे गौ इति उक्ते, गाय है ऐसा कहने पर अनिर्ज्याते विशेषे तत्प्रतिपादनार्थम, लेकिन जो गाय को नहीं जानता, जिसे गाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसे ज्ञात कराने के लिए खंड मुंड कृष्ण शुक्ल आदि उपादानम क्रियते। उसे बतलाने के लिए खंडी है मुंडी है काली है सफ़ेद है आदि विशेषणों से दिखलाया जाता है बतलाया जाता है। गाय तो गाय है लेकिन उस गाय को बतलाने के लिए काली गाय है खंडी गाय है मुंडी गाय है अनेक प्रकार से उसे बतलाते हैं। ऐसे ही दुख तो दुख है लेकिन उस दुख को बतलाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बनाए गए हैं। तथा दुख विषय आश्रम असंख्य लोक भेद संभवात दुखम इति उक्ते विशेष अनिर्ज्ञान ज्ञानात कतिपय विशेष निर्देशेन तद विशेष प्रतिपत्ति क्रियते। उसी प्रकार दुख विषयक आश्रव असंख्यात लोक प्रमाण संभव है, परंतु दुख इतना कहने पर सब भेदों का ज्ञान नहीं होता, अतएव कुछ भेदों का उल्लेख करके उनको पृथक पृथक जान लिया जाता है। कोई दुख एक नहीं है, असंख्यात प्रकार से दुख संभव है, और असंख्यात प्रकार से नहीं असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब 343 घन राजु प्रमाण जो लोक दिखाई पड़ रहा है ऐसे असंख्यात लोक लग जाएं, इतने प्रकार का दुख है। और फिर भैया जी आप तो कल कह रहे थे दुखी मत हुआ करो, और महाराज कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण दुख है, इसीलिए तो समझाया जा रहा है। कोई एक दुख नहीं है और ना किसी को एक प्रकार से दुख है, हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या है और उसी का नाम दुख है। तानि एतानि दुखानि क्रोध क्रोधाद्यावशात् आवेशात् आत्मस्थानानि भवन्ति परस्थानानि उभय स्थानानि च। क्रोधादि के आवेश वश ये दुखादि कभी किसके होते हैं? अपने होते हैं। स्वस्थानानि फिर परस्थानानि दूसरे में होते हैं, और कभी उभय स्थानानि दोनों में होते हैं, जिसे कल टीका के माध्यम से विस्तार से सबको समझाया था कि किस प्रकार स्वयं को कभी दुख देता, कभी अपने निमित्त से दूसरे को दुख देता, कभी दोनों मिलकर दुखी होते हैं। एतानि सर्वाणि असद्वेद्य आश्रव कारणानि वेदितव्यानि, ये सब आश्रव असाता वेदनी आश्रव के कारण जानने चाहिए। अत्र चा उक्ते, अब यहाँ पर कहते हैं
क्या कहते हैं? फिर एक शंका उस आती है, यदि दुखादीना दुखादीनी आत्म पर उभय स्थानानी असाता वेदनी आश्रव निमित्तानी किमर्थम आरहते केश लुंचन को केश लुंचन अनशन तपा तप स्थानादीनी दुख निमित्तानी अस्थियंते परेशु च प्रतिपद्यंते इति। कहते हैं कि ये जो ऊपर आपने कही, ये दुख आदि यदि अपने मत में असाता वेदनी के आश्रव के कारण है, तो फिर अरिहंत भगवान के इस मत में आरहतई अरिहंत भगवान के इस मत में केश लॉन्च करना, अनशन करना और तपों के स्थान आदि काय क्लेश आदि करना, ये भी तो दुख के कारण है। देखें शंका, यदि अपने में पर में और दोनों में स्थित दुख आदि असाता वेदनी के आश्रव के कारण है, तो अरिहंत के मत को मानने वाले मनुष्य दुख को पैदा करने वाले केश लॉन्च अनशन आताप स्थान आतापन योग अर्थात गर्मियों में सूर्य के सामने खड़े होना, बारिश में नदी के किनारे जाना और सर्दियों में खुले स्थान में शयन करना, पेड़ के नीचे चातुर्मास करना, ये सब आतापन योग कहलाते। आदि में क्यों विश्वास करते हैं और दूसरों को इनका उपदेश क्यों देते हैं? अब आचार्य इसका समाधान देते हैं, नईश दोषाह, यह कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? अंतरंग क्रोध आवेश पूर्वकाणी दुखानी असद्वेद्य आर्षव निमित्तानी इति विशेष उक्तत्वात्। कितना अच्छा उत्तर दिया हमने आपको पहले ही, कह दिया क्या कह दिया कि अंतरंग में क्रोध का आवेश पूर्वक जो दुख दिया जाता है या किया जाता है, उसका नाम असाता वेदी में आश्रव का निमित्त है, ऐसा आपको पहले ही कह दिया है। एक शब्द में उत्तर दे दिया कि अंतरंग क्रोधादिक आवेश बसाद दुखानी, अगर अंतरंग में क्रोधादिक के आवेश पूर्वक दुख किया जाता है, कषाय पूर्वक दुख किया जाता है, दुख मनाया जाता है, तब तो वह असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। आगे, यथा जैसे कश्चिद भीषजः परम कारुण करुणः सस्य निसल्लस्य संयतस्य उपरि गंडम पाटयतो दुःख हेत्वे सति न पापबन्धो बाह्य निमित्त मात्रात् एव भवति। जैसे कोई अत्यंत भेषज, मतलब होता है वैद्य, ये शब्द पूर्व में भी आया, कहाँ आया? नहीं नहीं इसी में, जब पहले अध्याय में आचार्य बतला रहे थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तब वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया था, जैसे भेषज पर विश्वास मात्र कर लेने से उपचार नहीं होता, भेषज का मात्र ज्ञान कर लेने से उपचार नहीं होता, उसे ग्रहण करना भी पड़ता है, वैसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। जैसे अत्यंत दयालु किसी भेषज के फोड़े की चीर फाड़ और मरम पट्टी करते समय निशल संयत को दुख देने में निमित्त होने पर भी केवल बाह्य निमित्त मात्र से पापबंद नहीं होता, उसी आगे एवं संसार विषय महादुख दुखाद उद्विघ्नस्य विक्षो तन्निमित निमित निर्वित्ति उपायम प्रति समाहित मन मनस्क शास्त्र विहिते कर्मणि प्रवर्तमानस्य संकलेश परिणाम अभावात् दुख निमित्त निमित्तत्वे सति न पापबन्धः। उसी प्रकार मात्र भेषज को पापबंध हुआ ऐसा नहीं, उसी प्रकार वह जो भिक्षु संसार संबंधी दुख से उद्विन्न है और उस जिसका मन उससे दूर करने के उपायों में लगा हुआ है, उसके शास्त्र विहित अर्थात आगम में कहे अनुसार कर्म में प्रवृत्ति करते समय संकलेश रूप परिणामों के नहीं होने से पाप बंद नहीं होता।
मतलब वेद को पापबंध हुआ ऐसा नहीं, पापबंध नहीं हुआ ऐसा नहीं। जो भिक्षु उस संसार के दुखों से डरा हुआ है वह भी उपचार कराते समय दुखी नहीं होता। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था बर्णी जी महाराज का, सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना कि बर्णी जी महाराज को फोड़ा हुआ और उसको फाड़ने के लिए, उसको चीरा लगाने के लिए डॉक्टर आया। जब डॉक्टर आया तो बर्णी जी महाराज से कहा पहले आपको सुन्न करने का इंजेक्शन लगाएंगे। बर्णी जी महाराज ने कहा इंजेक्शन का तो मेरे त्याग है, फिर क्या होगा? उन्होंने कहा आप ऐसे ही शल्य चिकित्सा करें, फोड़े को फोड़ना है, चीरा लगेगा, मवाद बाहर निकलेगी, बाद में सिला जाएगा। और वह डॉक्टर उनकी पीठ पर उपचार करता रहा और बर्णी जी महाराज ऐसे स्थिर बैठे रहे। जब पूरी क्रिया पूरी हो जाने के बाद वो डॉक्टर उनके दोनों पैर पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्या हुआ? बोले आप हमें ये बताओ आप कौन सा मंत्र जप रहे थे? तो बंडी जी महाराज कहते हैं मैं कोई मंत्र नहीं जप रहा था। बोले फिर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? यदि किसी के फोड़े को कोई छू भी ले तो वह अपने स्थान से घबरा कर उठ जाए, और आपका सारा फोड़ा साफ करने पर भी रंच मातवी आपके चेहरे पर सिकिन ना आई, शरीर में कंपन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? बंडी जी महाराज कितना प्यारा उत्तर दिया। बोले भैया पड़ोसी के घर सफाई होती है तो आपके कैसे परिणाम होते हैं? ये पड़ोसी है, मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए वह तपस्वी के कभी भी सुख दुख नहीं होता। उक्तम चा कहते भी हैं ना दुखम ना सुखम यद विद धेतुर दृष्टश्चिकित्स्यते चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद् दुःखं अथवा सुखम्। जिस प्रकार चिकित्सा के साधन न स्वयं दुख रूप दिखे जाते हैं और न सुख रूप, किंतु जो चिकित्सा में लग रहा है उसे दुख भी होता है और सुख भी होता है। ना दुःखं ना सुखम् तद्वद् हेतु मोक्षस्य साधने मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद् दुःखं अथवा सुखम्। कितना अच्छा उदाहरण आचार्य पूज्यपाद देव दे रहे। ये उसी प्रकार मोक्ष साधन के हेतु है, वे स्वयं न दुख रूप हैं न सुख रूप हैं, किंतु जो मोक्ष मार्ग पर आरूण है उसे दुख भी है और सुख भी है। औषधि के उपचार के जितने साधन हैं ना वे दुख रूप हैं ना सुख रूप, ऐसी मोक्ष की प्राप्ति के जो उपाय रूप मार्ग है ना वो सुख रूप है ना दुख रूप। और जैसे उस पर उस जीव को सुख दुख है, वैसे ही यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में कोई अपने आप को सुखी मान रहा है, कोई दुखी मान रहा है, लेकिन साधन न दुख रूप है ना सुख रूप है। ये जितना भी उक्तम जैसे कहा गया पूर्व आचार्यों की पंक्तियाँ यदा कहीं कहीं आचार्य को उपलब्ध हुई हैं उनको उन्होंने समाविष्ट किया है। पूर्व में जहाँ कहीं भी आचार्यों के ग्रंथों में कोई पंक्ति उद्धृत मिलती है उसे पूर्व आचार्यों को प्रमाण बनाने के लिए पूर्व आचार्यों की प्रमाणिकता से उन पंक्तियों को वहाँ पर लिख देते हैं, और लिखते समय लिख देते हैं उक्तम च। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में उनके रेफरेंस भी दिए कि ये कहाँ की पंक्तियाँ हैं, कहीं कहीं उनके रेफरेंस उपलब्ध नहीं होते। चलिए यहाँ तक यह असाता वेदिनी के विषय में जो कुछ था वह आचार्य ने कहा। कहते हैं उक्ता सदवेद आश्रव हेतवः, यहाँ तक असाता वेदिनी के आश्रव के हेतु कहे गए।